अरे बाबा अंदर बहुत बढ़िया, अब उतर जाते चुपचाप नीचे, वरना यहाँ पे कुकड़ी बन जाएगी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक फ्रॉम 14,000 हाइट सेला पास अरुणाचल प्रदेश। पिछली वीडियो खत्म करते करते ठंड लग गई भाई, क्योंकि हवा ऐसे घुस रही है आजू बाजू से। और जो पिछला एपिसोड मैंने यहाँ से खत्म किया था बोमदिला टू सेला पास, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेला पास टू दिरंग। डिस्टेंस है 71 किलोमीटर्स का और 2 घंटे का ये रास्ता बता रहा है, तो मान के चलो 3 तो हम लगा ही देंगे। 4 बजे का टाइम हो चला है, तो चलो शुरू करते हैं। गाड़ी मैंने ऑन ही छोड़ रखी है ताकि इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बनी रहे। रिपीट में यहाँ का कुछ नहीं दिखाऊंगा, आपने पिछले एपिसोड में सब देख लिया है। यहाँ का ट्रांजिशन तक वाले भाई साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग, यार इतना प्यार कर रहे हैं यहाँ पे, जो जा रहा है गाड़ी रोक रहा है यार, और सब इतनी विशेष दे रहे हैं, खुश हैं देखकर। राजस्थान की गाड़ी है, सेला पास में खड़ी है, केरला टू कश्मीर कर रही है 12,000 किलोमीटर का सबसे लंबा डिस्टेंस अभी तक का। तो लोगों से बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप लोगों का प्यार तो यार अनलिमिटेड। बस लाइक कमेंट और शेयर करते रहो यार, अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो ताकि लोगों को मालूम चले यार इतना लंबा रूट हम केरला टू कश्मीर कर रहे हैं, इंडिया के टफेस्ट रोड्स कर रहे हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को देख रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स को देख रहे हैं, ट्राइब्स को देख रहे हैं। इस सीरीज में आगे बहुत कुछ आने वाला, तो चलो शुरू करते हैं दिरंग के लिए। अभी ये क्लाउड्स हट गए हैं तो ये लेक व्यू देख लो यार, सारा लैंडस्लाइडिंग होता है, वहाँ से सारे पत्थर गिरते हैं। ये रेलिंग्स बनी है और ये वॉकिंग पाथ है सारा इस लेक के चारों तरफ पूरा राउंड लेके आप वॉक करके आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तवंग के गेट की एंट्री, वहीं पे आप कार पार्क कर सकते हैं। जो आप देख रहे हो ना वो रास्ता नीचे, वहां चलेंगे तो वहां कुछ बुल्स है, तो वहां देखते हैं चलते हैं उनको भी, और वहां से नीचे जाके आप पूरा राउंड ले सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं तवंग गेट पे, गेट लेफ्ट मुड़ते ही है बस, तो चलो चलते हैं नीचे और यहां से दिखा देता हूँ जल्दी से लेक व्यू और कुछ और दिखाने जा रहा हूँ आपको। कैमरा हिल रहा होगा तो भाई मान जाना, बहुत ठंड लग रही है, बुरे हाल है। और ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, मैंने दिखाया था आपको वहाँ पर रेलिंग्स बनी हुई हैं और वो स्पॉट है, वहाँ बैठ सकते हो। और हर जगह ही स्पॉट है यार, वो भी स्पॉट है, हर जगह ही स्पॉट है। अभी ये फिर से धुंध हो गई है ना, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। और आ जाओ जी, बस ये मुझे मारे नहीं क्योंकि इसका सींग बहुत खतरनाक होता है यार, देख लो इतने बाल अगर इसके नहीं होंगे ना तो ठंड में बुरे हाल है। बिल्कुल प्यार से मैं बस 6 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ इससे, क्योंकि भाई अगर इसने मारा ना, पकड़ के मुझे यहीं लपेट देगा, मैं कहीं जा भी नहीं पाऊँगा। कितना बड़ा है यार ये, भयंकर। थोड़ा आगे आ गया हूँ, ज़्यादा पंगे नहीं लेते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। और देखो यार ये सब भर गया दोबारा, और अब बिना रुके सिटी की तरह जाना है भाई दिरंग, क्योंकि ठंड की बात नहीं है, ठंड ने तो सर फाड़ी दिया बिल्कुल, इतना ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ रहा है। इतना खुश हूँ जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब उतरना पड़ेगा भाई, क्लाउडी हो गया, दिखना बंद हो जाएगा, उतर नहीं पाएंगे, वो जिग-जैग बहुत ज़्यादा है। अब शुरू कर देते हैं यहाँ से 13,700 फीट की ऊँचाई से सेला पास से। टाइम पता नहीं क्या हो गया, 4:30। अरे बाबा अंदर बहुत बढ़िया, अब उतर जाते चुपचाप नीचे, वरना यहाँ पे कुकड़ी बन जाएगी। एयरटेल गायब है, जियो भी चल रहा है। जो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, बुरी तरह से ड्राई हो चुका हूँ, बोलना भारी हो रहा है भाई। आदाश आई, हेलो BSNL दादा, 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है भाई, 71 किलोमीटर चलते रहते हैं, पता नहीं कहाँ ले जाके अटकाने वाला है ये। बाय द वे GPS पे मेरी लोकेशन दिख रही है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं नीचे हूँ कहीं। चलो शुरू करते हैं। और लो जी, यहाँ तो इतनी धुंध हो गई दिखाई भी नहीं देगा, हाथ एकदम सिल चुके मेरे। वेलकम टू वेस्ट कमेंग, और उधर से आओगे तो लिखा होगा वेलकम टू तवांग।
वाओ आसपास चाय मिलती है क्या सर? यहाँ मिल जाएगा, आ जाऊँ? थैंक यू। प्रॉपर मिलिट्री वालों ने शौचालय बनाया हुआ है, पर यहाँ शौचालय है, उधर से पानी लेना पड़ता है। ये मैंने सुन लिया था किसी को बोलते है, अपन भी हल्के हो लेते हैं। देखो जी क्लियरली लिखा है पहाड़ी कैफेटेरिया। यार झंडे लगे हुए हैं, सीमा सशस्त्र बल, कोई ला सकते? अरे वाह, चलो चलते हैं, यहाँ बंद कर लेते हैं भी। वही चढ़ाई देते हैं तो भैया पीछे आर्मी वालों का है, वहाँ पे उन्होंने मस्त चाय पिलाई, बहुत अच्छे से बात करी है, सब गाड़ी देखने आ रहे हैं। हम लोगों को कैप्चर नहीं करूँगा, कम से कम भी 10-12 लोग हैं, तो मैं वीडियो शूट उधर का नहीं करूँगा, बस मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ और निकलते हैं। उतरने से पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 7% बैटरी, मतलब बैटरी भी उड़ती जा रही है। और ये देख रहे हो आप, ये पहला लैप है उतरने के लिए, कितने हेयर पिन बेंड है भयानक। और उसके बाद आएगा ये वाला दूसरा लैप, फिर जाके जिंदगी बहाल होगी। और इन दोनों लैप में बस इतना फर्क है। और अगर इस लैप में मैं देखूँ ना, तो अगर आप ये टर्न्स भी देख रहे हो, पुरानी वीडियो नहीं देखी पिछली वाली, तो ये टर्न्स भी कोई आसान नहीं है भाई। गाड़ी भी नहीं उतर रही भाई, ठंड लग रही है। 5:48, बहुत अच्छा लगा लेकिन यार आर्मी वालों के साथ टाइम स्पेंड करके। 69 किलोमीटर, 2 घंटे का रास्ता है। दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ बाहर का क्या कंडीशन है भाई, ये देख लो, व्हाइट लाइट है, मरने वालों, धुंध बिल्कुल हो गई है, विजिबिलिटी खत्म हो गई है। और भाई साहब यहाँ का ऑक्स, ये देख रहे हो रोड पे ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं। चलो भैया पता नहीं कितने किलोमीटर कर पाऊंगा, लेकिन 10 तो उतरना ही है, ये कैमरा नहीं चला पाऊंगा। मैं कैसे देखेगा रे बाबा, पूरी दुनिया की लाइट जली हुई है मेरी, तो ये कंडीशन है भाई। शुरू कर रहे, कुछ नहीं पता लग रहा, तो GPS है तो मालूम चल रहा है बस कहाँ जाना है, लेकिन भाई ये रोड बहुत खतरनाक है, थोड़े ग्लास नीचे करने पड़ेंगे वरना जो है ना भर जाना है पूरा, थोड़ी मिट्टी उतारनी पड़ेगी इससे, हीटर मारते हैं उस तरफ ग्लास पे, इतनी ठंड में तो मर जाएंगे हम वरना। गाड़ी गर्म हुई होगी तब तो हीटर भी काम करेगा। दिरंग तक का एपिसोड बहुत खतरनाक हो चुका है भाई, पर बस ऐसे ही मर मर के जाना है। ये जो 2 घंटे दिखा रहा है, मैं भाई बेशक 6 घंटे में हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा 10-20 की स्पीड पे ही। तो यार रोड पे फोकस करते हैं, बीच बीच में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल क्लाउड से ये रुक जाते हैं, देख रहे हो भाई क्रॉसिंग हो रही है, और इस क्रॉसिंग में कोई नहीं भरोसा, कहाँ क्या टूट जाए, मुझे अपना साइड मिरर बंद करना पड़ रहा है। ये देख लो असलियत, फॉगी फॉगी है भाई, देख लो भाई क्या हाल है। ओ भाई तोड़ना नहीं साइड मिरर, चिपक के खड़ा हूँ मैं एकदम कोने में, कर दिया काम, बच गए। अरे यार पूरा पोल्यूशन कर दिया इसने। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा डार्कर साइड थी माउंटेन्स की एक, तो उस डार्कर साइड पे है, नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ऐसा ये बेंड है ना, तो लाइट वहां पहुंच ही नहीं रही है। ये देखो 2-3, ये 3 है रोड क्रॉस कर रहे थे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो साउथ इंडिया के बाइसंस के साथ रहा है, तो ये तो शरीफ है भाई, कुछ नहीं बोल रहे। बाइसन होते ना तो गुस्सा भी आ जाता उनको। मेरी आवाज कैसी हो गई है भाई, ऐसे लेट के निकल रही है, पूरा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लेट के निकल रही है। ऐसे गाड़ी आ रही है, पास हो गया, चलो चलते हैं आगे। और देख लो दूर दूर तक काला है, जहां से लाइट बंद करूं तो ये देख लो। एक्चुअली मैं ये एपिसोड बनाता नहीं क्योंकि ये रात को मैं उतर रहा हूँ, वो भी सेला पास से, तो मैं चाहता था कि ये रात वाला जो ये एक व्यू है ना, ये आप लोग देखें। यहाँ कोई साइन बोर्ड आ रहा है, वैसे तो आप मेरा GPS सही बता रहा है, देखते हैं। सेंजे 17, तो इसी को बोल रहे थे कि भाई साहब सेंजे के बाद ठीक होगा। 17 किलोमीटर, और ये बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं भाई रोड पे, ये देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो ये देखो पूरा का पूरा इतने बड़े बड़े भैया लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है, तो सारा लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है, खतरनाक एरिया है ये पूरा का पूरा। ऊपर तो भाई हेयर पिन बेंड खतरनाक थे, ये पूरा लैंडस्लाइडिंग का एरिया है, इसलिए सेंजे के बाद जाके थोड़ा ये ठीक हो जाएगा। ये आ गया बैसाखी बेस कैंप, चलो जी इसके तुरंत बाद आएगा शंग्रीला। यही शंग्रीला पे मैंने जाते समय पूछा था पिछले एपिसोड में कि मैं सेला के लिए सही रोड जा रहा हूँ ना, बिकॉज GPS के हिसाब से पता नहीं कितने किलोमीटर बता रहा था, 14,000 फिट से इस रात को उतरना, मजाक नहीं है भाई। ठीक है यार प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मेहनत आपको दिख रही है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। चलो यहाँ तो ट्रक वाले रुके हुए हैं भाई, खड़ा वड़ा बना रहे हैं, यहीं रुक के सो जाए क्या? चलो 35 किलोमीटर और बाकी है भाई, एक ही दिन में सेला जाना, सेला से उतरना, सब कुछ ये सब करना, रिकॉर्डिंग इतना आसान नहीं है,
बहुत हाथ पांव टूट जाते हैं, और ऊपर से वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से ना बहुत बुरे हाल हुए थे। और जो क्लाइमेटिकल चेंज ऑल ऑफ सडन मिला 3 घंटे के अंदर, तो वो भी भयंकर। कहानी में आ गया ट्विस्ट, ये जंगल एरिया शुरू हो गया और यहाँ सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, रोड चौड़ी हो चुकी है तो वो चीज़ ख़त्म हो गई जहाँ पे बहुत नैरो रोड के यू टर्न्स थे और बहुत सारा लैंडस्लाइडिंग था। ये तो पूरी की पूरी रोड ही नीचे गिरी हुई है यहाँ पे, देखें भाई कुछ दिख नहीं रहा है, लंबा टर्न लेना पड़ेगा, लंबा ही टर्न लेना पड़ेगा भाई। 8:30 बजे निकले थे, 7:30 हो रहे, 7:31, और पहुंचने का टाइम 8:30 का। तो भाई अब आप सोच लो यार, 12 घंटे की ड्राइव पहाड़ों में, और जिसमें 14,000 फिट की हाइट अटेन भी करी, पीछे भी आ रहे हैं। तो बहुत आसान नहीं है, बस सुनने में देखने में आसान लगती है। फन तो है नो डाउट, मेहनत भी बहुत है। बीआरओ के बोर्ड्स इतने अच्छे हैं ना, आप थक जाओगे ना, बस आप पढ़ते हुए चल लो, सारा मोटिवेशन आ जाएगा। अभी बोर्ड पे क्या लिखा था मालूम है? द इम्पॉसिबल इज फॉर द अनविलिंग। तो अगर आज मैं अनविलिंगनेस होती आज मेरे अंदर, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता सब इतनी राइड के लिए। तो इवन लोग भी यहाँ के लोकल वाले यही बोल रहे थे कि यार आप इतना कैसे चला रहे हो, वो भी ऐसे रोड्स के ऊपर। थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ आवाज़ वगैरह के मामले, वरना तो सांस इतनी फटे जा रही थी ना कि पूछो ही मत। विलेज से आया, पता करते हैं यार यहाँ चाय मिलेगी क्या, यहाँ चाय मिलेगी क्या मैडम? उन पे मिलेगी, थैंक यू। यहाँ खड़ी कर लूँ, थैंक यू। वो खड़ी है अपनी पैंथर, क्या मस्त लग रही है ना यार। चलो देखते हैं चाय वाय मिल जाए। 150 एंड कितना ग्राम होगा ये? 200 है ना, ऑलमोस्ट 200 ग्राम। 150 रुपीस में 200 ग्राम, बहुत ही बढ़िया। ये आ गई है भाई गर्मा गर्म चाय। तो यार बढ़िया सी चाय हो गई और अखरोट भी ले लिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ठीक है सर। एकदम फैमिली की तरह यहाँ बिठा के काफी अच्छी बातें हुई है चाय पे। थोड़ा गड़बड़ जोन आ गया, ये देखो कितने पत्थर गिरे हैं ऊपर से, और ये है रास्ता। डर भी लग रहा है भाई कि कुछ और ना सरक क्या है, बस ये पैच क्रॉस हो जाए। भले ही छोटा है लेकिन बहुत डेंजरस पैच है भाई ये। आज तो कैंपिंग नहीं हो पाएगी, मैंने प्लान तो यही किया था कि दिरंग में कैंप करेंगे, लेकिन कैंपिंग नहीं हो पाएगी। 6 किलोमीटर में दिरंग के होटल्स शुरू हो जाएंगे, तो अब ध्यान रखते हैं रोड पे, जो भी आएगा पहला वहीं से शुरू कर देंगे ढूंढना। ये किस चीज़ का बोर्ड आया? थैंक यू बोर्ड आ गया भाई। ड्राइव स्लो, दिरंग के पास है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस फोर्स सॉरी। जबरदस्त क्रॉसिंग्स है भाई इस बोर्ड पे, रोड बहुत ही नैरो है ना। तो ये आ गए, ये दो दो थे एक साथ, अब देखते हैं। पार्किंग की जगह भी है, पता करते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो भाई फाइनली मिल गया है होम स्टे, और ये वही है जो मैंने सुबह यानी पिछले एपिसोड में जाते समय दिखाया था। ओके, गेट बंद हो जाएगा जी। फाइनली होम स्टे मिल गया मॉन्ड्रुक, यही कार भी पार्क हो गई है, पार्किंग बहुत अच्छी है। ये वाला रूम है फर्स्ट वाला, जहाँ लाइट चल रही है, चलते हैं। मून का नज़ारा देखो यार, 9:30 बजे का टाइम हो गया, गाड़ी आराम से हो चुकी है पार्क। ये मिल गया रूम, देखो छोटा छोटा ढूंढते ढूंढते कितना बड़ा हो गया ये। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है यार, ये होम स्टे है यार, जस्ट चेकआउट। मैंने बोला भी यार मेरे लिए बहुत बड़ा, तो उन्होंने बोला ऑफ सीजन है, तो ऑफ सीजन में आप ले लें ये रूम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार छोटा ढूंढते ढूंढते बड़ा मिल गया है, मुझे नहीं पता क्या कॉस्टिंग है, कोई बात नहीं हुई है, आंटी जी चलाती हैं। रूम मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और रात के अब 9:30 हो रहे, तो जाके शेफ को भी लेके आई हैं वहाँ से, जो कुक है यहाँ पे, तो वो भाई बना रहा है। तो मैंने कहा ज़्यादा परेशान करेंगे नहीं, लेकिन पूरे दिन फूड्स पे रह के भाई इस वक्त की भूख जो होती है ना अनकंट्रोलेबल होती है, तो फिर मैंने बोला भाई मैगी बना दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इस एपिसोड को इसलिए बनाया क्योंकि जो पिछले एपिसोड में सेला पास गए ना, तो वो डे का ट्रैवल था, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था बेसिकली कि मेरा ऐसा नाइट का ट्रैवल होगा, और मैं इसको बनाना भी नहीं चाहता था। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ 4-5 बजे तक पहुँचूंगा, और यहाँ पे हम रिवर साइड पे गाड़ी ले जाके कैंपिंग करेंगे आज। बट जैसे कि मेरे वहीं पे 5:30, 6 बज गए, तो मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बनाते हैं एपिसोड, और दिस विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस कि रात को 14,000 फीट से, मतलब 13,700 फीट से हम नीचे आ जाएंगे, लगभग 6,000-6,500 फीट। तो मेरे लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था इतनी हाइट से अभी तक का। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, डेंजरस तो बहुत ज़्यादा था। तो
फाइनली दिरंग में आ गए हैं। कल के प्लान का कुछ नहीं पता है, सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कल मैं बैरोकुंडा निकल रहा हूँ या कल यहाँ रुक करके मैं एडिटिंग करने वाला हूँ, तो कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा भूटान के लिए, हमारा ट्रैवल शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लाइक और कॉमेंट जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लग रही है और इस सीरीज को चमकाना है भाई। तो अपना फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल्स पर प्लीज आप मेरी वीडियो शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस सीरीज के बारे में सबको मालूम चल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और सपोर्ट करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल द नेक्स्ट टाइम सी यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।